दोस्तों किसी भी एरिया में साइक्लोन की डेवलपमेंट के लिए अगर वो ट्रॉपिकल है तो फिर वाटर बॉडी का नेसेसरी होना है। इसके साथ में वाटर बॉडी पे होगा लो प्रेशर कंडीशंस, जिससे कि एयर कन्वेक्शन की फॉर्म में ऊपर उठती है अलोंग विद द कोरियोलिस फोर्स साइक्लोन बनता है। दैट्स व्हाई बे ऑफ बंगाल, साउथ चाइना सी एंड गल्फ ऑफ मेक्सिको में मैक्सिमम साइक्लोन्स आते हैं। बट अगर मैं बात करूँ टेम्परेट एरिया की, तो उस केस में आपके कोल्ड और वार्म एयर मास एक दूसरे पे कन्वर्ज करते हैं एंड वार्म एयर मास के अपलिफ्टमेंट के साथ साथ में, क्योंकि इक्वेटर से दूर कोरियोलिस फोर्स भी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है जिससे टेम्परेट एरिया में साइक्लोन आते हैं। इस तरीके की इंफॉर्मेशन को डिटेल जानने के लिए आप ज्योग्राफी ऑप्शनल कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं kapil.bhardwaj2022।